तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका काइजू नंबर 8 के एपिसोड 8 में। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होते ही हमको दिखाया जाता है कि काफ्का जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और कहता है आई कांट डू दिस। और फिर काफ्का रेनो से कहता है कि सिर्फ तुम्हारे इनकरेज करने की वजह से मुझे इतनी ज्यादा नर्वसनेस हो रही है इस एग्जाम को लेकर। रेनो कहता है कि हॉस्पिटल में तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो अब तुम्हें क्या हो गया। और तभी दरवाजा खोलकर कोई अंदर आ जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि उनका मैनेजर होता है। वो कहता है ये तुम्हारे लिए है। रेनो और काफ्का एकदम सीरियसली देखते हैं उसे। उनके सामने उनका रिजल्ट होता है जो कि ऑब्वियसली एग्जाम का था। काफ्का कहता है हम इनको 3 की गिनती पर खोलेंगे और कहता है कि ये गैम्बल है, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा या नहीं। इसके बाद वो उसे ओपन करता है और उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें डिफेंस फोर्स दिखाई जाती है जहाँ सभी स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट दिए जा रहे थे। और हमको एक आवाज सुनाई देती है जिसमें कहा जाता है कि सबने पासिंग एग्जामिनेशन में टॉप किया है। किकोरु शिनोमिया और कमांडर मीना उन्हें सर्टिफिकेट देते हुए कहती है मैं तुम सभी 27 मेंबर्स को ट्रुप मेंबर बनाती हूँ। और किकोरु को सर्टिफिकेट देते हुए कहती है तुमने ही मेरी बहुत ज्यादा मदद करी है उस इंसिडेंट में जो एग्जामिनेशन के बाद हुआ था, तुम्हारी वजह से कोई भी मारा नहीं गया। किकोरु सोचती है कि वो मैं नहीं थी जिसने उस मॉन्स्टर को डिफीट किया था, वो तो काफ्का था और उसी को ये वर्ड्स मिलने चाहिए। वो यहाँ क्यों नहीं है और सिर्फ वो वहाँ मेरी हेल्प करने के लिए क्यों आया था। अगर उसने मेरे को ये सब बिना बताए जाने की कोशिश करी तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और तो और मुझे उसकी मॉन्स्टर फॉर्म के बारे में भी जानना है कि आखिर वो क्या है। लेकिन तभी काफ्का अंदर आके कहता है कि सॉरी मुझे माफ करना मैं थोड़ा लेट हो गया। और किकोरु और मीना उसे देख रहे होते हैं। और तभी हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, ये ट्रुप मेंबर्स की एक मीटिंग होती है जिसमें ये बताया जाता है कि काफ्का स्कोरिंग लो रैंक और फिजिकल टेस्ट में 0 होने की वजह से फेल किया जाता है। और सब कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्शन है, तब मीना कहती है यस ऑब्जेक्शन है। तभी शोशिरो कहता है मुझे ऑब्जेक्शन है, मैं उसे अपने लीडरशिप में रखना चाहता हूँ, उसकी 0% कैपेबिलिटी के साथ हुई, उसने ये टेस्ट अच्छे से किया है। और शिशोरु कहता है हाँ मैं उसे कॉमेडी सेक्शन में रखूंगा। कोनोमी कहती है मुझे पता था तुम यही करने वाले हो। शिशोरु कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि वो एक फॉर्मर ट्रुप मेंबर बने, लेकिन मैं उसे अपनी पल्टन में एक कैडेट की तरह ट्रेन करूंगा। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन होगा कैडेट का मतलब क्या होता है, तो देखो कैडेट का मतलब होता है ऐसे सोल्जर्स जिसकी अभी ट्रेनिंग होनी है। किकोरु काफ्का को देखकर कहती है बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। और वो तीनों भी कहते हैं आखिरकार उस ओल्ड मैन ने कर दिखाया। उसके बाद हम मीना और काफ्का को देखते हैं जो कि इतने टाइम बाद एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इसके बाद कोई कहता है कि अब सारे मेंबर्स पूरे हो चुके हैं, तो अब मैं कमांडर आशिरो से रिक्वेस्ट करूंगा कि कमांडर कुछ कहें। फिर कमांडर स्टेज पर आकर कहती है मेरे सोल्जर्स इस बार मॉन्स्टर के नंबर पिछले साल से ज्यादा बढ़ गए हैं और कुछ मिस्टीरियस केस भी थे लाइक डेड मॉन्स्टर रिवाइव हो रहे हैं। आपकी इस जॉब में लाइफ की कोई गारंटी नहीं है और कुछ लोग तो अपने पहले मिशन पर ही मर सकते हैं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे अपनी पावर्स दें, मैं अपने लीडरशिप और वॉर में स्वॉर्ड और शील्ड बनने की कसम खाती हूँ। और तभी काफ्का अपने फेस को झुका लेता है और अपने हाथ को जोर से बंद कर लेता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मीना मैं बहुत जल्दी तुम्हारे साइड में खड़ा होऊंगा। ये बात सुनकर मीना तो कुछ रिएक्ट नहीं करती बल्कि उसके साथ वाले सारे मेंबर्स हैरान हो जाते हैं। ये सुनकर मीना फेस को नीचे करते हुए कहती है कि काफ्का को मिशन के बीच में बोलने और सीनियर की डिसरिस्पेक्ट करने के लिए 100 पुशअप मारने होंगे। ये सुनकर काफ्का बोलता है मैं बिना सोचे समझे बोल गया। शोशिरो काफ्का की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा हंसता है कि कमांडर ये सजा तो बहुत ज्यादा कम है, इसे तो और ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, इसने तो अभी से ही कॉमेडी चालू कर दी। लेकिन मीना वहां से जाने लगती है और जैसे ही वो शोशिरो के पास से जाती है तो शोशिरो चुप हो जाता है और कहता है कि क्या कमांडर मीना हंस रही थी। और कोनोमी शोशिरो के पास आकर कहती है तुम यही चाहते थे ना कि वो तुम्हें हंसाए। शोशिरो उसको कहता है हाँ बिल्कुल ये कॉमेडी के लिए बढ़िया है इसीलिए मैंने इसे लिया है। लेकिन फिर वो अपने मन में सोचता है और काफ्का अपनी पनिशमेंट को पूरी कर रहा होता है। शिशोरु उसके पास आता है और सोचता है काफ्का तुम बहुत मिस्टीरियस हो, तुम 0 कैपेबिलिटी होने के साथ इस टेस्ट में जिंदा रहे और मैं जानकर रहूंगा। और इस टाइम पर शिशोरु को उस पर डाउट होने लगता है क्योंकि जब काइजू नंबर 8 अपीयर हुआ था तब शोशिरो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी साइट पर रखूंगा जिससे मैं तुम पर नजर रख सकूं और इस मामले की तह तक जाऊंगा कि तुम्हारे इस स्माइल के पीछे राज क्या है। और ये चैप्टर यहीं एंड हो जाता है। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।